अक्सर ऐसा देखने में आता है कि फला शख्स कह रहा होता है कि मैंने फला पर बहुत भरोसा किया था, मुझे तुम पर बहुत विश्वास था, और विश्वास से ही बाद में विश्वासघात ये वर्ड बनता है। तो क्या जो भरोसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं? तो इसका जवाब हाँ होगा या ना, या आप सोच रहे होंगे कि भरोसा तो ज़रूरी भी है, क्योंकि भरोसा रहेगा तो तब जाकर ही सामने वाला कोई डिसीजन ले पाता है, और भरोसा बिल्कुल ना करे तो वो नहीं करेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भरोसा करना यानी कि एक हिसाब से ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहा जाता है, तो वो बेवकूफ़ इंसान है जो ब्लाइंड ट्रस्ट कर ले। मिसाल के तौर पे अगर कोई किराया दे रहा है या कोई पैसे दे रहा है, तो सामने वाला ले रहा है कि मुझे आप पर भरोसा है, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे रहने तो अच्छा नहीं लग रहा, गिनने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा तो एक हिसाब से उम्मीद या गुमान के हिसाब से भी कह सकते हैं हम कि सामने वाले से हमें कोई उम्मीद होती है, आस होती है। लेकिन जैसे कि इंसान के अंदर अलग अलग जो खासियतें सिफात पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी को उसके दोस्त अगर बहुत चाहता है और वो घर पर आ जाए तो खाना बहुत ज़्यादा भी खा लेगा, क्योंकि उसको उसके भूख पर कंट्रोल नहीं है। तो वैसे ही बात हो गई, किसी को अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं होता किसी चीज़, तो जितने भी चीज़ें दुनिया में है बुरी चीज़ों का मात्रा इंसान के अंदर है। कोई इंसान बेगैरत हो सकता है, उसके अंदर बेगैरती कूट कूट कर भरी हो सकती है। कोई इंसान झूठा मक्कार हो सकता है कि झूठ उसके अंदर रगों में खून की तरह दौड़ रहा हो सकता है। वो इंसान के खसलत या फिर उसकी ज़्यादा मादा उसका धोखा देने का हो सकता है कोई इंसान का। तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इंसान होते हैं, और उसी तरह से मादा किसी का पैमाना कम या ज़्यादा होता है, दो या दो से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं चीज़ें, एक से ज़्यादा ख़राब आदतें, या कोई अच्छा इंसान भी है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बुराई के पैमाने के लेवल, परसेंटेज लेवल 1%, 2%, 10% कुछ कुछ पैमानों में हर हद तक अलग अलग होगा। कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी को अकेला रहना पसंद है, तो किसी को जो है तो सिर्फ म्यूज़िक पसंद है लेकिन उसको बेहयाई पसंद है, किसी को बेहयाई पसंद है तो उसको दूसरी चीज़ों में वो शरीफ लगता है बहुत। तो ये चीज़ों का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो अगर शेर है तो शेर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना ये बेवकूफ़ी होंगी, क्योंकि उसकी जो खुराक है वो मतलब इंसान आदम खोर होता है शेर, या फिर कह दिया जाए कि जो भी इंसान है सांप अगर है तो सांप की खसलत में डसना होगा, तो वो डस कर रहेगा। तो इंसान के अंदर जितनी सिफात है, तो कोई भरोसा कहकर ये कह दे कि अरे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, चाहे वो औलाद हो या फिर आने वाली नस्लें हो या कोई भी चीज़ हो, पैसों का व्यवहार हो, किसी भी चीज़ हो, तो अगर आप उसको कमर्शियल वे में होना तो ये चाहिए कि बिना भरोसे के उसूल परस्त इंसान होना चाहिए। उसूल परस्त मतलब कि गिनकर लिया गया, गिनकर तोला गया, जिस बोलकर किया गया काम, वादा इतने मिनट में आऊँगा, उतनी चीज़ में करूँगा। तो एक उसूल इंसान बना ले कि उसके अंदर उसूल याफ्ता हो कि अपने इरादों में और वादों में भी वो पक्का हो, और दूसरों से जो एक्सपेक्टेशन है, तो भरोसा आप किसी पर भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक रिस्क लेकर चल सकते हैं। कोई भी जो इंसान के अंदर खसलत है और जितनी बुराइयां है, कोई भी बुराई का परसेंटेज जो आपने नहीं देखा है, अगर वो उसके अंदर उजागर हो गया, अगर उसके अंदर लालच का मादा है तो आपको डुबो देगा, अगर उसके अंदर झूठ का मादा है तो आप पर इल्ज़ाम लगा देगा, अगर उसके अंदर बेहयाई का मादा है तो आपके किसी फ़र्द को या ख़ानदान के किसी को वो ठेस पहुँचा सकता है। मादे के ऊपर डिपेंड है सारा, कि हर एक इंसान को तोल कर नहीं रखा जा सकता। वो एक्सपीरियंस तभी होगा जब वो चीज़ सरजद हो जाती है, तो तब वो पता चल जाएगा कि फला इंसान ये था। लेकिन आप ब्लाइंड ट्रस्ट करना यानी कि सरासर बेवकूफ़ी है। तो हाँ, ये कहते हुए मैं बिल्कुल भी, मैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये कह सकता हूँ कि जो बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, तो वो एक नंबर के दुनिया के बेवकूफ़ लोग हैं।